आप सबने अभी तक न्यूज़ में देख लिया होगा कि सूरत में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जिसे हम हजारडुआ इंसिडेंट बोल सकते हैं। लगभग 20 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है एक कोचिंग सेंटर में आग लग जाने से। एक बिल्डिंग है तक्षशिला नाम की, वहां पे आग लगी, लगभग 20 की डेथ हो चुकी है। इससे भी ज्यादा नंबर हो सकता है, बिकॉज काफी सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। लोग लगातार सिविल हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, जिस भी तरीके से वो मदद कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया लोग काफी कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये 20 स्टूडेंट मरे आग की वजह से, या फिर ना जले तो वो सफोकेशन या फिर छत में गिरने की वजह से मर गए। आपने ये पिक्चर जरूर देखी होगी, ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आप सबने अभी देख ली होगी, पूरी वायरल हो चुकी है। अगर आप इसको नोटिस करो तो देखो ये एरिया एक कोई ऐसा साइड वाला एरिया नहीं है, एक मेन मार्केट दिख रही है आपको, जिसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। लकीली यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ की जो रोड्स है ना काफी ब्रॉड है, चौड़ी है, जिससे कि जो फायर ब्रिगेड है ये पहुंच गई। आप यहाँ पे गाड़ियों को देख सकते हैं, काफी सारी गाड़ियां यहाँ पे पहुंच गई, तो कंट्रोल किया जा सका इस आग को। अदरवाइज इंसिडेंट और भी ज्यादा बुरा हो सकता था, बिकॉज यहाँ पे आसपास की अगर आप लोकेलिटी को देखोगे तो फिर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता था। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि क्यों ऐसे इंसिडेंट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं। जैसा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज लगातार ट्विटर के थ्रू या जैसे भी वो लोग अपनी बात को रख सकते हैं कर रहे हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया, एक्सट्रीमली एंग्विज्ड बाय द फायर ट्रेजेडी इन सूरत, माय थॉट्स आर विद बिरीव्ड फैमिली, मे द इंजर्ड रिकवर क्विकली, हैव आज द गुजरात गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल असिस्टेंट। अभी इसी के अंतर्गत वहां पे अथॉरिटी ने 4 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। लेकिन क्या ये सफिशियंट है? क्या पैसे से पूरा सब कुछ हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि लोगों ने ट्विटर पे लिख दिया या वीआईपीज ने या इन्होंने लिख दिया तो ऐसा हो जाएगा? देखिए, एक गलती सिस्टम की हो सकती है, लेकिन एक आम आदमी की भी बहुत बड़ी गलती है। ये इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि पहला इंसिडेंट है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडिया रिस्क सर्वे नोन एज IRS 2018, इन IRS 2016 फायर आउटब्रेक वॉज रैंक 8th बिगेस्ट रिस्क टू बिजनेस। समझ रहे हो ना, मतलब ये आग लगने बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप पिछले एक डिकेड की बस बात कर लो ना, तो लाखों लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ और सिर्फ आग लगने की वजह से। मुंबई का इंसिडेंट आपको याद होगा, खार में लगा था, दिल्ली में, सूरत ऑफकोर्स रिसेंटली, नोएडा में आग लगी, कानपुर फैक्ट्री में आग लगी, केरला 2016 की बात है, केरला में आग लगी। मतलब पिछले कुछ सालों में मैं बात कर लूं, सिर्फ 3-4 साल में तो 3 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है इस वजह से। अब क्या रीजन होते हैं, किस वजह से डेथ होती है? देखिए, मैं रीजन की बात बताता हूं, बहुत ही सिंपल रीजन है। सबसे पहली चीज, अगर उस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, इतनी बड़ी मार्केट में पिक्चर है, बट जो वहां पे पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची, तो उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग में कोई फायर सेफ्टी अप्लायंस थे ही नहीं, मतलब थे भी नहीं, या फिर थे तो कुछ ही काम के नहीं थे, उनके हिसाब से कुछ फायर सेफ्टी अप्लायंस थे ही नहीं। ये सिर्फ सूरत की बात नहीं है, मैक्सिमम प्लेस पे यहाँ पे हो रहा है। उस बिल्डिंग को एक नोटिस भी गया था कि आपका ये जो बिल्डिंग है, आपका जो प्रिमाइस है, ये सेफ्टी फायर सेफ्टी के लिए सही नहीं है, आप इसको सुधारिए। अवॉइडेंस बहुत ज्यादा है लोगों में। अवॉइडेंस क्या मतलब, लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा। अभी अवॉइडेंस का रीजन पैसा है। देखो, इंडिया में लोगों के पास पैसा है, लेकिन इतना पैसा भी नहीं है कि लोग इस तरह के जो अप्लायंस है इनको पूरी तरीके से यूज कर लें। कैसे चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिलेंडर चाहिए, ये सिलेंडर लगता है, तो ये सारी चीजें रहनी चाहिए एक बिल्डिंग में। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप किसी बिल्डिंग में हो, बिल्डिंग जैसे मैं बात कर लूं आपकी पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड असेंबली, जहां पे आप मूवीज वगैरह देखने चाहते हो, ठीक है, या फिर जहाँ असेंबलीज होती हैं, हॉस्पिटल्स की बात कर ली जाए, होटल्स की बात कर लें, या फिर जो अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे मॉल्स हो गए, स्टोर्स हो गए, ऐसी जगह पे ना फायर एग्जिट बहुत सही होना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब लोग आसानी से निकल पाए। इस बिल्डिंग पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर फायर एग्जिट सही नहीं था, दैट इज वाई लोग छत में चढ़े, छत से कूदे, सफोकेशन से मर गए या फिर आग में जलने से मर गए। सो लाइक समझ सकते हो आप किस लेवल पे। तो ये चीजें होती हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। इसके बाद करप्शन एक बहुत बड़ा रीजन है, मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया हुआ है। देखो, जब आप किसी से बात करो तो लगना चाहिए ये है, मैटर बहुत सीरियस है। करप्शन बहुत बड़ा रीजन है। होता क्या है कि लोग बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना देते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पूरा लिटरेचर बना करके रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रहा, तो देखिए
द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 पार्ट 4, द नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी ऑफ इंडिया 2016 इज टाइटल फायर एंड सेफ्टी. इट कवर्स रिक्वायरमेंट फॉर फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी इन रिलेशन टू फायर एंड फायर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग, को बिल्डिंग को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. द कोड स्पेसिफाई ऑकुपाइज वाइज क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट एंड egress requirement, protection feature that are necessary to minimize danger to life and property from fire. It specifies the demarcation to fire zone, restriction on construction of building in each fire zone, classification of building based on occupancy, type of building construction according to fire resistance of structure, non-structural component and other restriction required necessary to minimize danger of life from smoke, fume, panic before building can be evacuated. Basically कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पूरा लिटरेचर इन्होंने रखा है ना, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बता चुकी है कि आपके पास क्या होना चाहिए. तुम सिंपल से एक एग्जांपल समझो, आपको कार लेनी है, एक कार मिल रही है 4 लाख रुपए की, दूसरी कार मिल रही है 6 लाख रुपए की, सेम मॉडल है लेकिन फर्क यह कि जो 4 लाख वाली कार है यहाँ पे सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं है, 6 लाख में सेम मॉडल है लेकिन सेफ्टी पे ध्यान दिया गया, आप कौन सी कार लेना पसंद करोगे यहाँ ना. लेकिन फायर को लेकर के इंडिया में ऐसी सोच है कि ठीक है हो जाने दो हम कर लेंगे, लेकिन एक इग्नोरेंस है, लोग पैसा नहीं खर्चा करना चाहते या फिर जो उनको बातें पता है वो उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं. बात करप्शन की रही, देखो जब भी कोई बिल्डिंग बनती है ना तो स्पेसिफाई करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट क्या है, वहां पे किस तरीके का मटेरियल यूज किया जा रहा है, अगर मॉल बन रहा है तो कैसा मटेरियल यूज किया जा रहा है, उसका नक्शा क्यों पास होता है, किसी बिल्डिंग का नक्शा क्यों पास होता है, इसीलिए कि भाई कल की डेट पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे बच पाओ. बिल्डिंग का जोन क्या है, क्यों जरूरी नहीं है सिर्फ आग लगे, भूकंप आ सकता है कि नहीं, तो वो जोन भी पता लगाया जाता है, ये सारी चीजें होती है लेकिन इग्नोर करता है. सुप्रीम कोर्ट भी नॉट फायर पे नहीं बोला लेकिन ग्रीनरी को लेकर के काफी बोला है कि आप ग्रीनरी रखिए अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको इग्नोर किया जा रहा है. दीज आर द फैक्ट, समझ रहे हो, और ये आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा. फिर लोग चिल्लाते हैं कि फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं आई, फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं. देखो जब इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तभी आएगी, लेट लतीफ हो सकता है मैं मानता हूं, लेकिन जो बेसिक नीड है फर्स्ट एड बॉक्स जिसे बोलते हो वो तो आपके पास होना चाहिए ना, लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं. ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान देना. इसके बाद देखिए, एब्सोल्यूट सेफ्टी फ्रॉम फायर इज नॉट अटेनेबल इन प्रैक्टिस. तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है, ध्यान देखिएगा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्ट इज टू स्पेसिफाई मेजर दैट विल प्रोवाइड द डिग्री ऑफ सेफ्टी फ्रॉम फायर विच कैन बी रीजनेबली अचीव. द कोड इंडेवर्स टू अवॉइड रिक्वायरमेंट दैट माइट इन्वॉल्व अनरीजनेबल हार्डशिप और अननेसेसरी इनकन्वीनियंस, interference with normal use, occupancy of building, insist upon compliance with the minimum standard of fire safety necessary in public interest. It is desirable to use such equipment installation duly certified under BIS certificate marks scheme. तो मतलब अगर तुम use भी कर रहे हो ना तो उसमें BIS certificate वो होना चाहिए. जो मैंने आपको appliance की picture दिखाई, ये appliance की picture basically use होने चाहिए जो सामान है. समझ में आ रही है, अगर आपकी भी बिल्डिंग है तो उसको करिए, क्योंकि नुकसान किसी का भी हो सकता है. रिसेंटली मेरी सिटी में भी ये प्रॉब्लम हुई, एक कुत्ते की वजह से 37 लोगों की जान बच गई थी आग की वजह से. उनके यहाँ पे फर्नीचर का पूरा काम है लेकिन फायर सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं था. क्या हुआ, जान तो बच गई लेकिन करोड़ों का नुकसान हुआ. तो सिर्फ ह्यूमंस की डेथ नहीं हो रही, एनिमल्स भी जा सकते हैं, अदरवाइज पैसा तो फिर जा ही रहा है, बात समझे. इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं, इनको ध्यान देना. तो देखिए पूरी हेडिंग है, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, क्लास, फिर उसके बाद आपका मटेरियल इन्वॉल्व्ड इन फायर, फिर उसके बाद हजार्ड एरिया, एक्सटिंग्विश मेथड एंड वार्निंग. तो किस तरीके से चीजें रहेंगी, तो देखिए अगर मैं बात कर लूं एक्सटिंग्विशर की, ये क्या होता है पहले तो ये पता. एक्सटिंग्विशर मीन्स होता है अग्निशामक, जो अग्नि को शांत करे, जो आग को शांत करे. तो देखो वाटर होना चाहिए आपके पास, वो भी क्लास ए का, मतलब समझो CO2. अब तुम मीजर करने नहीं बैठोगे लेकिन तुम्हारे पास होना चाहिए. अब मान लो आग कहाँ लगी, ऑर्गेनिक सॉलिड पे लगी है, वुड पेपर क्लॉथ पे लगी, तो पानी से आग बुझ जाती है. ये जो बता रहा हूँ बातें इनको याद रखना, किसी के साथ भी हो सकता है. हजार्ड एरिया ऑफकोर्स कहीं पे कोई भी बिल्डिंग, थिएटर, हॉस्पिटल, बैंक, रेस्टोरेंट्स. अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सटिंग्विश मेथड क्या होगा, ठंडा कर दो, पेनिट्रेट कूल इवन डीप सीटेड ए क्लास फायर. ओके, डू नॉट यूज ऑन लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी को अवॉइड करो. दूसरी बात मैकेनिकल फोम, जो यूजुअली आप सिलेंडर देखते हैं तो इसमें इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, बेसिकली जहां पे ऐसी जगह आग लग जाए जैसे पेट्रोल वगैरह उस पर. तो अब जैसे पेट्रोल शॉर्टेज रिपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे अगर आग लगती है तो आप इसको यूज करिए, ठीक है. यहाँ पे इसमें क्या होता है, मेथड क्या है, अ थिक फोम ब्लैंकेट कवर, मतलब लगा दो पूरा का पूरा उसके ऊपर. डू नॉट यूज
और लाइव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, अगेन CO2 आप यूज कर सकते हैं, इनफ्लेमेबल लिक्विड गैस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह में की वजह से आग लगती है, तो मोटर पंप वगैरह हो गए, लेबोरेटरीज हो गई, तो आप CO2 को यूज कर सकते हो। एम एट द बेस ऑफ फायर, ठीक है, मैं पूरी चीज यहाँ पे लिख के रखी हुई है, आप इन पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखिएगा, सबके काम आ सकती है। मैं कहूंगा इस वीडियो को लोगों को दिखाओ, स्पेशली लास्ट वाला पार्ट दिखा देना, आग अगर कहीं भी लगे तो कैसे करोगे, समझ रहे हो? जैसे अगर सिलेंडर में आग लगती है तो पानी से नहीं बुझने वाली, बात समझ में आई ना? फिर इसी तरह से अगर ड्राई केमिकल पाउडर कहाँ पे यूज कर सकते हो, इनफ्लेमेबल लिक्विड गैसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे एलपीजी की मैंने बात कर ली, यहाँ पे रहा देखिए एसिटिलीन हो गया, पेट्रोल, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इक्विपमेंट हो गए, ये पूरे रही, डू नॉट यूज वेरी कन्फाइंड स्पेस। इसी तरह से एबीसी पावर, तो प्रेशर टाइप से आप भी यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक सॉलिड, इनफ्लेमेबल लिक्विड गैसेस, और पूरा का पूरा इस स्लाइड को पूरा पढ़ लो सबके सब, एंड शेयर जरूर करो। मेरी मतलब मुझे बहुत दुख हुआ जान के जब मैंने इसको देखा, खैर जो चीज थी इसका एनालिसिस मुझे लगा जरूरी है, इसलिए मैंने किया। इन बातों को याद रखिएगा, अवेयर करिए लोगों को भी, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, सिर्फ सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं बनती। चलिए फिर मिलते हैं बाद में, गुड नाइट।